बीएससी पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में एकविमीय क्वांटम दोलित्र के आइगन फंक्शन हुए आइगन मान को प्राप्त करने के पश्चात उससे आगे कुछ छोटी छोटी बातों को पढ़ने जा रहे हैं। जैसे एक इसमें सबसे पहले आता है समता संकारक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं पेरिटी ऑपरेटर। पेरिटी ऑपरेटर को कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। जब इस संकारक को किसी तरंग फलन पर आपतित करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो उस तरंग फलन के जो स्थिति के कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनकी दिशा विपरीत हो जाती है। जैसे एक्स है तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जैसे माइनस एक्स है तो एक्स हो जाएगा, और जैसे आर सदिश है तो माइनस आर सदिश हो जाएगा। तो ये ऐसा संकारक जो होता है उसको क्या बोलते हैं, समता संकारक। क्लियर? जैसे आप देख पा रहे हैं पी ऑपरेटर को, व्हेन यू अप्लाई दिस पी ऑपरेटर ऑन टू साई एक्स यू आर गेटिंग साई माइनस एक्स, इसको बोलते हैं पेरिटी संकारक। क्लियर? अब हैमिल्टोनियन जो ऑपरेटर होता है वो एच एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एच स्क्वायर अपॉन टू एम डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स। वी एक्स क्या है, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी जैसे दोलित्र के लिए बात करें तो दोलित्र के लिए यू बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, और यू को कैसे लिख रहे हैं यहाँ पर, वी से लिखते हैं। तो यू या वी बराबर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो ये स्थिति का सम फलन है। अगर एक्स को माइनस माइनस एक्स करेंगे तो वी का मान हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, इसलिए यू कैसा होगा, सम इवन फंक्शन कहलाएगा एक्स का। तो जैसे एच एक्स, एच इज फंक्शन ऑफ वॉट, एक्स इज इक्वल टू दिस वन। अगर एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो जहां जहां एक्स आता है वहां 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 माइनस करेंगे, यहां करेंगे आप तो दो बार एक्स स्क्वायर आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। वी को एक्स को फंक्शन ऑफ एक्स को करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, लेकिन वी माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वी एक्स के बराबर ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन है। क्लियर? यहाँ कोई चेंज आएगा नहीं। तो अपन ये देख पा रहे हैं कि एच माइनस एक्स का मान किसके बराबर आता है, एच एक्स के बराबर ही प्राप्त होता है। एक चीज़ ये सभी को पता हो, तो ये चीज़ अपन नोट कर दी। अब जैसे एच एक्स साई एक्स को पहले लिखा, इन दोनों पर अपन क्या अप्लाई कर रहे हैं, समता संकारक को अप्लाई कर रहे हैं पी को। तो क्या मिलेगा, पी क्या करेगा, एच एक्स को माइनस एक्स कर देगा, और साई के एक्स को भी क्या कर देगा, ये माइनस, दोनों जगह क्या आ गया, ये माइनस। एच माइनस एक्स अभी भी सिद्ध किया है किसके बराबर होता है, एच एक्स के बराबर होता है, और साई माइनस एक्स एज इट इज आ गया। एच एक्स की जो एच एक्स को एच एक्स ही लिख दिया। क्लियर? और साई माइनस एक्स को संकारक की जो परिभाषा, समता संकारक की जो परिभाषा है पी, यानी पी साई एक्स बराबर साई माइनस एक्स है, तो इसको साई माइनस एक्स को क्या लिख दिया, पी साई एक्स लिख दिया। क्लियर? पी साई एक्स लिख दिया। तो ये इस तरफ क्या है, बाई तरफ क्या है, पी एच एक्स साई एक्स, इस तरफ क्या है, एच एक्स पी साई एक्स। तो साई एक्स को यहाँ से और यहाँ से दोनों तरफ से आप हटा दें एक बार, तो क्या मिलेगा, पी एच मतलब फंक्शन ऑफ एक्स तो ही है, पी एच मान लो पी एच बराबर एच पी, पी एच बराबर एच पी। यानी ये जो संकारक है पी, ये समता संकारक है, एच क्या है, हैमिल्टोनियन संकारक है, और पी एच का मान जब एच पी के बराबर हो, यदि दो संकारक इस प्रकार के हों तो अपन कहते हैं कि दोनों संकारक क्या हैं, आपस में कम्यूटेटर हैं, क्रम विनिमेय हैं। क्लियर? क्योंकि ये संकारक की परिभाषा है। तो इससे ये प्रूफ समझ में आता है कि सममित विभव क्षेत्र में गति कर रहे कण के लिए हैमिल्टोनियन संकारक तथा समता संकारक परस्पर क्रम विनिमेय होते हैं, सिद्ध करो, ऐसा एग्जाम में सवाल आता रहता है। तो आप इसको यहाँ तक सिद्ध करके आएंगे। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि तरंग फलन दो प्रकार के अपन अक्सर लिखते रहते हैं, सामान्य सी एक बात है, सममित तरंग फलन और प्रतिसममित तरंग फलन। तो यदि किसी तरंग फलन के लिए साई माइनस एक्स बराबर साई एक्स है, यानी एक्स को माइनस एक्स करने में साई के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तरंग फलन के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तरंग फलन का चिन्ह वो कि वही रहता है, तो ऐसे तरंग फलन को सममित तरंग फलन कहते हैं। या पी साई एक्स का जो मान है वो किसके बराबर होगा, साई एक्स के बराबर ही हो, तो ऐसा जो तरंग फलन होता है
वह सममित तरंग फलन कहलाता है। यदि x को माइनस एक्स करें, यहाँ देख रहे हैं ये माइनस एक्स किया और चिन्ह बाहर आगे साम तरंग फलन का मान ऋणात्मक हो जाए तो ऐसा जो तरंग फलन होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रति सममित तरंग फलन। यानी किसी तरंग फलन के स्थिति सदिशों को, स्थिति कोऑर्डिनेट्स को अगर विपरीत कर दिया जाए तो तरंग फलन का मान ऋणात्मक हो जाता है, तो ऐसा तरंग फलन को क्या बोलते हैं अपन, प्रति सममित तरंग फलन। जैसे अगर कोई तरंग फलन साई एक्स बराबर साइन एक्स है तो एक्स को आप माइनस एक्स करेंगे तो साइन एक्स में माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का चिन्ह बाहर आ जाएगा, माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो वो एक कैसा हुआ, साइन एक्स के जो फलन हुए वो कैसे हुए, प्रति सममित तरंग फलन। कॉस एक्स वाले फलन कैसे होते हैं, सममित तरंग फलन। तो तरंग फलन के इनको अपन ऑड तरंग फलन भी कहते हैं, और जिनका अगर इसको ऐसे लिखेंगे तो माइनस वन, यानी इसकी जो आइगन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, माइनस वन होती है, और इसकी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी होती है, प्लस वन होती है। क्लियर। अब एक महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसको देखने जा रहे हैं, जो कि एग्जामिनेशन में कम से कम 3 नंबर का आता रहता है। सिद्ध करो किसी सरल आवर्त दोलित्र के चिर सम्मत सीमाओं के अंदर पाए जाने की प्रायिकता के मान की गणना कीजिए, अथवा यूँ आता है सिद्ध करो कि सरल आवर्ती जो दोलित्र है वह अपनी सीमाओं के भीतर 85% पाया जाता है और सीमाओं के बाहर 15% पाया जाता है, इसको सिद्ध करो। तो ऐसा सिद्ध करने के लिए ये कई बार आता रहता है और ये बहुत चाहिता प्रश्न है, तो इसको अपन निकालने जा रहे हैं। इसको निकालने के लिए जैसे अपन सबसे पहले सरल आवर्तित जो दोलित्र अपने पढ़ा है उसकी मूल अवस्था n बराबर 0 के लिए जो तरंग फलन है उसको लिखा। सबसे पहले आपको मैंने ये साई n का मान 0 के लिए लिखाया है, 1, 2, 3 ऐसे 4 तरंग फलनों के आपने सारणीबद्ध तरीके से आइगन मान और तरंग फलन के मान ज्ञात किए हैं, लिखे हैं। तो उसमें से ही सबसे पहले किसके लिए ले रहे हैं, मूल अवस्था में। तो मूल अवस्था में तरंग फलन का मान ये प्राप्त होता है अपने को, और अल्फा का मान आपने जो माना हुआ वो क्या है, एम ओमेगा अपॉन एच क्रॉस की पावर 1/2। क्लियर, ये मान है, ये अपन जानते हैं। अब क्या निकाल रहे हैं, किसी कण के पाए जाने की प्रायिकता का मान निकालने जा रहे हैं। P बराबर क्या होता है, माइनस ए से प्लस ए, ये प्लस ए यानी ये जो दोलित्र है, ये दोलित्र को यहाँ से ये प्लस ए हो गया और ये क्या हो गया, माइनस ए, प्लस ए से लेके माइनस ए की सीमाओं के भीतर SHM कर रहा है ये दोलित्र। तो आप देख पा रहे हैं कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में पाए जाने की प्रायिकता साई नॉट एक्स स्क्वायर dx, जो आपको पहले बता चुका हूँ मैं, किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता होती है वो तरंग फलन का मॉडुलस का वर्ग होता है, ये आपको पता है। अब साई स्क्वायर इसका वर्ग करेंगे आप 1/4 का, तो क्या आ जाएगा, 1/4 का 1/4 का पहले वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/2 आएगा, और 1/2 करेंगे तो अल्फा स्क्वायर का पावर 1/2 अल्फा आ जाएगा, और रूट पाई ये जो है इसका करेंगे तो आप ये क्या आ गया, आपने यहाँ पर पाई की पावर रूट में आ जाएगा ये, और माइनस ए से प्लस ए और ई की पावर क्या बन जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 नीचे से क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपको ये जो चीज़ प्राप्त होगी, इसमें जो आप यहाँ ये देख रहे हैं, अब e की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर का आपको क्या निकालना है, अवकलन का मान निकालना है माइनस ए और प्लस ए के बीच में। तो e की पावर माइनस एक्स का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की ओवर फैक्टोरियल 3, उस सूत्र से आप खोलेंगे इसको तो ये पहला पद, ये 1 माइनस पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला माइनस में आएगा, प्लस में, फिर माइनस में, एस थ्री ऑल्टरनेट करने में, जो कि अपनी e की पावर एक्स का एक्सपेंशन को अपन जानते हैं। अब इसका जो अवकलन होगा वो ए, इसका एक्स के सापेक्ष है ये डी एक्स, यहाँ क्या है ये डी एक्स, तो यहाँ करेंगे तो ये इसका एक का एक्स हो गया, इसका क्या अल्फा स्क्वायर एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा, इसका एक्स 5/2 का मान 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस अल्फा 6 तो ऐसे रहेगा, एक्स 7/3 दूनी 6 तो नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है, एक्स 7/7 7 6 42 नीचे आ गया। इस तरीके से इसको आप
ये यहाँ पर ये मान इस तरीके का आपको, और इसकी जो लिमिट्स हैं वो क्या है, माइनस ए से लेकर प्लस ए के बीच क्या हो गई, इसकी लिमिट्स हो गई। क्लियर। अब ये लिमिट्स रखोगे आप यहाँ पर, तो जैसे एक्स की जगह यहाँ पर एक बार प्लस ए आएगा फिर माइनस ए आएगा, तो प्लस ए और माइनस ए रखोगे आप यहाँ पर तो प्लस टू ए आ जाएगा। तो और यहाँ पर जैसे आपने इसको रखा प्लस, तो अल्फा ए माइनस अल्फा क्यू अपॉन क्यू, एक्स की जगह ये यहाँ पर अल्फा, अल्फा का साथ में आपने क्या कर दिया है अंदर, ये गुणा कर दिया है, ठीक है, ये अल्फा का गुणा कर दो आप अंदर, तो अल्फा ए, अल्फा ए और दो जो है दो को कॉमन लेके बाहर ले लो, तो यहाँ गुणा करोगे इस अल्फा का, तो अल्फा क्यू हो जाएगा, ये अल्फा फाइव अल्फा सेवन बन जाएगा, तो अल्फा सेवन अल्फा फाइव अल्फा थ्री ही देख पा रहे हैं आप, और जो दो आया वो आपने यहाँ से ले लिया यहाँ। अब यहाँ पर एक बार प्लस ए आएगा और एक बार माइनस ए आएगा, और माइनस घटाओगे दो, सभी में दो 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 आ गए, दो को कॉमन ले लिया आपने, यहाँ पर आ गया ये, तो दो सबसे बाहर है, रूट पाई ये रहा अल्फा ए इस तरीके से। अब अल्फा ए का मान एक होता है, तो यहाँ एक हो गया, ये एक अपॉन तीन प्लस एक बटे दस माइनस एक बटे बयालीस फोर्टी टू, और इसको सॉल्व करोगे तो आप 0.84 आएगा या 84% आता है। 84% यानी कण के माइनस ए और प्लस ए यानी माइनस ए और माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में पाई जाने की जो प्रायिकता है, जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 85%। तो इससे पहले अल्फा ए का मान एक कैसे लिया इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है किसी कण की वो क्या होती है, हाफ एच क्रॉस ओमेगा, ठीक है, और अधिकतम स्थिर ऊर्जा क्या होती है, हाफ एम ओमेगा नॉट स्क्वायर, एम का मान क्या है, के स्क्वायर। क्लियर, मतलब हाफ के ए स्क्वायर बराबर हाफ, यानी ये क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एच क्रॉस ओमेगा, शून्य बिंदु ऊर्जा है दोलक की, ये दोनों ऊर्जाएं क्या होंगी, के का मान क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसको सॉल्व करोगे दो से दो कटेगा, ई ए बराबर क्या आएगा, एच अपॉन एम क्रॉस, ये मान किसके बराबर है, अल्फा के, एक बटे अल्फा के, तो ए अल्फा का मान कितना हो गया, एक हो गया, एक, तो ए अल्फा का मान एक होता है, वही एक यहाँ रखा है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, तो ये मान आपको प्राप्त होंगे, ये 84% आपके सामने आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, क्लासिकल लिमिट्स में यानी प्लस ए और माइनस ए के बीच में कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है दैट इज 84%, तथा कण के बाहर पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है, 16%। यानी कोई व्यक्ति जो होता है अपनी सीमाओं में कम रहता है और सीमा के बाहर भी रहने की कोशिश करता है, और ये क्या है, क्वांटम मैकेनिक्स आपको ये चीज़ें बता रही है, समझा रही है। इसलिए सारा जो झगड़े का, जो झगड़ाई का जो जड़ है वो यही है कि क्लासिकल लिमिट्स में व्यक्ति नहीं रहता है और क्लासिकल लिमिट्स के बाहर भी चला जाता है, जब अपनी सीमाओं से बाहर चला जाएगा तो फिर क्या है, कुछ दिक्कत पैदा होने लगती है। तो ये चीज़ ये भी सिखा रही है साथ में कि व्यक्ति को अपनी लिमिट्स में ही रहना चाहिए। अब एक चीज़ और देख लेते हैं, ये प्रश्न और आता रहता है, सिद्ध करो कि पेरिटी के आइगन मान प्लस माइनस वन होते हैं। ये प्रश्न भी एक दो नंबर का पूछते रहते हैं, तो आप इसको भी ध्यान दें कि पी साई एक्स माना जो संकारक पी है और तरंग फलन साई है, और संकारक पी का तरंग फलन साई के लिए आइगन मान लैम्डा है, तो लैम्डा जैसे इस ऑपरेटर को इस पर अप्लाई करोगे तो लैम्डा इसका आइगन मान हो गया, ये अप्लाई किया, फिर आप अगेन इसका पी पी अप्लाई कर दिया आपने, यहाँ पी अप्लाई किया जैसे ही, तो इस तरफ भी पी अप्लाई करोगे आप, पी साई एक्स, पी साई एक्स का मान ये दिया हुआ कितना, लैम्डा डेल्टा एक्स, तो यहाँ रख दो लैम्डा स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साई एक्स ये आ गया। क्लियर, ये समीकरण नंबर एक। और समता या पेरिटी संकारक की जो परिभाषा है उससे क्या होता है कि अब पेरिटी संकारक को साई एक्स पे अप्लाई करेंगे आप, तो साई की चिन्ह बदल जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, अगेन पी पे कर दोगे तो पी साई एक्स भी हो गया। साई माइनस एक्स का मान किसके बराबर, पी साई माइनस एक्स क्या होता है, इस परिभाषा से अप्लाई करेंगे तो साई एक्स वापस बन जाएगा, तो पी स्क्वायर साई एक्स बराबर क्या हो गया, साई एक्स, ये समीकरण नंबर दो। पी स्क्वायर साई एक्स बराबर क्या है, लैम्डा स्क्वायर साई एक्स, तो दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो लैम्डा स्क्वायर साई एक्स साई बराबर साई एक्स, लैम्डा स्क्वायर का मान एक हो गया, लैम्डा का मान क्या हो गया, दोनों की तुलना करोगे तो प्लस माइनस एक, यानी समता संकारक के आइगन मान दो हो गए, एक प्लस वन और एक दूसरा माइनस वन।
जब प्लस वन होता है तो तरंग फलन सम फलन कहलाता है, और जब माइनस वन होता है तो तरंग फलन का मान क्या कहलाता है, विषम फलन कहलाता है। तो ऐसे जो तरंग फलन होते हैं अर्थात ऐसे संकारक पेरिटी है, पेरिटी के जो तरंग जो आइगन मान है वो दो होते हैं, एक प्लस वन और माइनस वन। इस तरीके से आपको सिद्ध करना है। मैं समझता हूँ आप इसको भली भांति समझे होंगे और इसको आप तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच।